नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट मोबाइल कंपनी के बारे में। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे देखें कि ये स्टॉक में आगे आने वाले टाइम पे एक बहुत बढ़िया सा रैली दे सकता है। उसके पीछे का रीजन भी समझेंगे और क्यों ये स्टॉक में ज़्यादा मैं बुलिश हूँ और इसमें क्यों बढ़िया सा आ सकता है मूवमेंट, तो उसके पीछे का भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी का रिजल्ट को पहले स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्टॉक में हम पोजीशन बनाते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का यहाँ पे देखिए, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पे जो सेल्स देखने को मिला है, 986 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे एक बहुत बढ़िया सा सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 563 से यहाँ पे 986 हुआ है। उसी के साथ में अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, 46 करोड़ से 85 करोड़ हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया से यहाँ पे ग्रोथ नजर आया है। उसी के साथ में अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर में देखते हैं, 276 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है। उसके साथ में सेल्स के बारे में अगर बात करेंगे, 3,187 करोड़ का कंपनी का सेल्स भी देखने को मिला है, जो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से कंपनी में ग्रोथ नजर आया है। उसी के साथ में कंपनी का अगर हम देखते हैं तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 8,280 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। उसी के साथ में स्टॉक का पी के बारे में बात करेंगे तो 30 का पी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और स्टॉक का अगर लाइफ टाइम हाई की बात करेंगे, 2389 है। स्टॉक का भी ट्रेडिंग हो रहा है 1492 के पास में। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर प्लेज भी जीरो है और उसी के साथ में आरओसी भी यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% का है और आरओई 14% का देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं तो कंपनी करती क्या, कंपनी का अगर हम बिजनेस मॉडल को समझेंगे, कंपनी यहाँ पे क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग करता है, जो कि कैटरिंग टू एंटरप्राइजेस एंड ओवर द टॉप ओटीटी प्लेयर एंड ए मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, इनके लिए कंपनी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है। देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग स्मार्ट सॉल्यूशन इन मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल एंड एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिस्टिस एंड मोनिटाइजेशन। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2004, 2004 की कंपनी है, मतलब यहाँ पे 19 ईयर से हो चुकी है कंपनी को। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे, कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत सॉलिड है। तो यहाँ पे कंपनी का रिजर्व यहाँ पे 1599 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व है। उसके साथ में बोरोइंग ओनली 15 करोड़ का है। उसके साथ में कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, पूरा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होल्डिंग है, जो कि 58.43% का प्रमोटर के पास में है। एफआई के पास में 21.1% का है, डीआई के पास में 7.2 है और रिटेल पब्लिक के बारे में अगर बात करेंगे तो अराउंड 13% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और कंपनी का अगर हम देखेंगे तो कंपनी अभी एक साल में 12% नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया तो उनका नेगेटिव में ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे इतना बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है चार्ट पैटर्न में, वो चीज़ जानना हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है 4,42,000 क्वांटिटी ट्रेडिंग हुआ है और यहाँ पे जो डिलीवरी उठाया गया है 1,82,000 डिलीवरी उठाया गया, जो कि 41% का डिलीवरी आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं 41% का डिलीवरी, मतलब शानदार डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे देखिए, और एक चीज देखना हमें बहुत जरूरी है, यहाँ पे कंपनी का अगर हम चार्ट पैटर्न में आ जाएंगे, चार्ट पैटर्न में मुझे एक बहुत बढ़िया सा रीजन समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आगे चल के एक बढ़िया सा रैली आ सकता है। क्योंकि हमने इस लेवल पे तो बहुत बार चर्चा भी किया है, मैंने बहुत बार बताया भी हूँ कि इस लेवल पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी था। ठीक है ना, ऑलरेडी जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए तो भी कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये लेवल था तो बाइंग का लेवल, ये लेवल एक कंसोलिडेशन जोन था। तो ये जोन से ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एक्यूमुलेट होके बाहर निकल चुका है। उस दिन का वॉल्यूम देखिए, कितना बड़ा वॉल्यूम के साथ में एक्यूमुलेट हुआ है। तो यहाँ पे और एक दूसरा चीज़ है, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 30 डेज का मूविंग एवरेज और 100 डे का मूविंग एवरेज, 200 डे का मूविंग एवरेज, तीनों को तीनों मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। ये एक सॉलिड पॉइंट भी अभी देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में मुझे जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्टॉक अभी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत एक बड़ा रैली की तरफ यहाँ पे स्टॉक निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो टारगेट बताना चाहूँगा, यहाँ पे सीधा सीधा आपको यहाँ पे इसी हिसाब से दो टारगेट लेना चाहिए। क्योंकि आप बोलेंगे कि यहाँ पे किस हिसाब से आप टारगेट दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैली आ सकता है। जैसे कि हमने पहले भी दिखाया था कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है कि स्टॉक को बूस्ट होने में। अगर आप इससे पहले देखेंगे, इस वीडियो में मैंने इससे पहले भी बहुत बार बताया था कि यहाँ पे पीएनबी में, जबकि यहाँ पे हमने वीडियो कब बनाया था, पीएनबी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो वीडियो बनाया था बिल्कुल एक साल पहले, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जनवरी फर्स्ट को 19 तारीख को वीडियो बनाया था कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देख सकते हैं बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न है, जो कि 85% का गेन है, डोंट मिस।
यहाँ पे जनवरी 19 तारीख को यहाँ पे बनाया था। देखिए जनवरी 19 तारीख को स्टॉक किस लेवल पे था, ठीक है ना? तो क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जान 19 को स्टॉक कौन सा लेवल पे था, इस लेवल पे था। उसके बाद में फिर से मैंने वीडियो बनाया, फिर से अगर आप देखेंगे कब, यहाँ पे जो कि नवंबर 3 तारीख को वीडियो बना के बताया था कि यहाँ पे फिर से रैली आ सकता है। नवंबर में अगर आप देखेंगे तो नवंबर नवंबर कितना तारीख है, नवंबर 3 तारीख को हमने फिर से बताया कि यहाँ पे एक रैली आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसी हिसाब से वॉल्यूम भी ट्रेडिंग होना स्टार्ट कर चुका था। नवंबर 3 तारीख का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टॉक इसी लेवल पे चल रहा था। तो मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दे के फिर से कंसोलिडेशन कर रहा था। मतलब यहाँ पे पता चल चुका था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके निकलेगा। तो यहाँ से देखिए 106 दिन में 44% का गेन ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप देखेंगे जो 85% की गेन की बात हो रहा है, तो वहाँ से भी अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो भी यहाँ से भी अगर आप नोटिस करेंगे तो बिल्कुल मैंने जिस हिसाब से बताया था, यहाँ का टारगेट मैंने दिया था, इस टारगेट तक यहाँ पे स्टॉक जा सकता है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है, ठीक है ना? तो अगर स्टॉक मार्केट में आप थोड़ा सा टाइम देंगे और अच्छे कंपनी को चूज करेंगे, पैसा पक्का बनेगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको किस बेसिस पे बताया था वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे पीएनबी हाउसिंग स्टॉक में जाएंगे तो अगर आप देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से ग्रो हुआ था। यहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 236 238 से 263 था, उसके बाद में 272 हुआ। तो मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी शानदार देखने को मिला है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे भी शानदार देखने को मिला है। ये सब पैरामीटर पे जब ऐसा नजर आता है ना, तो वहाँ पे जरूर रिवर्सल देखने को मिलता है और उसको रिवर्सल को सपोर्ट करता है ये सारे वॉल्यूम, ठीक है ना? तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी बहुत बढ़िया सा अचीवमेंट हमें मिला, बहुत बढ़िया सा गेन मिला। लेकिन अगर इसी हिसाब से और भी बाकी स्टॉक भी देखेंगे, उसमें भी बहुत बढ़िया गेन मिला है। वेक्टर फूड भी जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। वेक्टर फूड के बारे में मैंने बहुत बार बताया कि ये स्टॉक में बहुत बड़ा रैली आ सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे इस लेवल पे जिन्होंने बाइंग किया तो यहाँ पे सीधा सीधा 90% का गेन मिला। फिर से मैंने वीडियो बना के फिर से बताया था, तो इस लेवल पे भी मैंने एक बार फिर से वीडियो बना के बताया था कि यहाँ पे और एक रैली आ सकता है। तो जिन्होंने इस लेवल पे भी बाइंग किया तो भी यहाँ पे 37% का गेन मिला है। फ्रेंड्स ये सारे चीज अगर सीख के समझ के करेंगे स्टॉक मार्केट में जबरदस्त पैसा बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना? तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें क्या है, हमें इंट्राडे के चक्कर में नहीं पड़ना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें अपना पोर्टफोलियो को अगर हम लॉन्ग टर्म है तो दोनों पोर्टफोलियो अलग अलग करना है, स्विंग ट्रेडिंग का अलग करना है और लॉन्ग टर्म का अलग करना है। एक बार बैक टेस्ट करके देखना है जो भी स्टॉक को हम पोजिशन बना रहे हैं, क्या कंपनी फंडामेंटल सही है। ये सारी चीज़ को सीख के समझ के अगर करेंगे ना तो पैसे जबरदस्त बनता है, ठीक है ना? हम जो बोल रहे हैं ना पैसे कैसे बना सकते हैं, अगर हर एक साल में अगर 25% का ग्रोथ अगर लेते हैं ना, तो भी 3 साल में पैसे डबल हो सकता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम नहीं, हमें 1 साल में पैसे डबल करना है, हर एक महीने में 10-15% का गेन लेना है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ को सीख के समझ के अगर स्टॉक मार्केट में थोड़ा पेशेंस रख के कमाएंगे ना, तो भी आपको 3 साल में डबल हो जाता है, तो जो कि बहुत बढ़िया है। और आप अपना जॉब के साथ में कर सकते हैं, आप आपका बिजनेस के साथ में कर सकते हैं, और आपको कहीं से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ में काफ़ी सारे फ्रेंड्स है जो कि दुबई में भी है और वो कतर में भी है, ओमान में भी है, सऊदी में भी है, बहुत सारे जगह से हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं, वो भी ट्रेड करते हैं। कहीं से फ्रेंड्स जर्मन से भी ट्रेड करते हैं, ठीक है ना? यही तो ब्यूटी है स्टॉक मार्केट का, कहीं से भी आप रह के अपना ऑर्डर पंच कर सकते हैं, ठीक है ना? तो लेकिन अच्छे से कीजिए और कैश मार्केट में कीजिए, इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन के चक्कर में मत पड़िए, बिजनेस के साथ में आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे रूट मोबाइल में, फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे सीधा सीधा एक टारगेट नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्टॉक इससे पहले नहीं रुकने वाला है। अगर आप देखेंगे तो टारगेट के हिसाब से मुझे यहाँ पे जो पहला टारगेट नज़र आ रहा है स्टॉक में, बिल्कुल यहाँ पे एक रैली आ सकता है, इस लेवल तक रैली आ सकता है, ठीक है? यहाँ पे इस लेवल तक रैली आ सकता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट लिया है तो अभी तुरंत इस लेवल तक आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे तीन तीन रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे तीन तीन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार। अगर आप यहाँ पे 1895 तक भी पोजीशन बना के चलते हैं, अगर आपका टाइम पीरियड 1 साल टाइम पीरियड देते हैं, कभी कभी 6 महीने में भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1 साल भी टाइम पीरियड देते हैं तो भी आपको 42% का गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नज़रिया रखते हैं, अगर आप 1 साल भी टाइम पीरियड देते हैं, जो कि पोजिशनल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का लेके चलते हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 साल से 1.5 साल का अगर टाइम पीरियड लेंगे तो सीधा सीधा यहाँ पे देखिए 78% का गेन देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त गेन है फ्रेंड्स, ठीक है ना? हो सकता है अभी 2-3 महीने के लिए स्टॉक परफॉर्म ना करे, या तो फिर से आके सपोर्ट ले ले, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये स्टॉक जरूर आपको पैसे कमा के देगा, इतना तो मुझे लग ही रहा है। इसका चार्ट पैटर्न से डेवलप हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम गया ना, इतना बड़ा वॉल्यूम
ये वॉल्यूम कभी ऐसे है फेक वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ में ट्रेडिंग हुआ है अगर आप देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इस चीज़ को जरूर आप नोटिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है यहाँ पे 5 मिलियन क्वांटिटी उठाया गया, मतलब 50 लाख क्वांटिटी यहाँ पे माल उठाया गया है। तो इस चीज़ को जरूर स्टडी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टारगेट मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि आपका पहला टारगेट रहेगा 1895, और यहाँ पे जो सेकंड टारगेट आपका रहेगा 2374। फ्रेंड्स इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना जॉब के साथ में एक बार बाय कर लिया रख लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। डेली डेली क्या स्टॉक बाय करना है सेल करना है, अच्छे क्वालिटी स्टॉक को टाइम पे पिक कीजिए और सही टाइम तक रखिए, बहुत बढ़िया पैसे बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन बीच बीच में वही यूक्रेन वॉर आएगा, ये आएगा, ये सबको अगर हमने झेल लिया ना, तो वह हम स्टॉक मार्केट में जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है एक बढ़िया सा वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए, ठीक है। अगर मेरे साथ में पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हैं, शाम के मीटिंग में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जूम मीटिंग भी शाम को चलता है, अगर आप वो ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, जूम मीटिंग में मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो जरूर मेरे साथ में ये व्हाट्सअप नंबर में कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।